दलित संगठन के लोग ईवीएम मशीन को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम मशीन से वोट नहीं होना चाहिए। दैनिक जागरण की खबर के अनुसार फूले अंबेडकर जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से 26 फरवरी से दलित संगठनों को साथ लेकर जिला स्तर पर गिरफ्तारियां देने की मुहिम शुरू करने का फैसला लिया है। सबसे ज्यादा ईवीएम मशीन हैकिंग का मुद्दा भाजपा सरकार को लेकर उठाया गया है, क्योंकि सभी राज्यों में भाजपा की जीत को महज एक सहयोग नहीं माना जा सकता। हाल ही में लंदन में स्थित सैयद सुजा नाम के हैकर ने कथित तौर पर बयान जारी करते हुए कहा था कि उसने ईवीएम हैक किया था। ईवीएम हैकिंग में उसने बीजेपी, आप और कांग्रेस का नाम लिया था। इसी मामले को देखते हुए दलित संगठनों ने ये फैसला लिया है। दलित संगठन ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वह ईवीएम मशीन से वोट देने के खिलाफ है। इसी दौरान 13 पॉइंट रोस्टर को बंद करवाने, वीवीपैट में रिकाउंटिंग करवाने, 10% आरक्षण व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आदि मुद्दों को भी उठाया जाएगा। इसलिए इन मुद्दों को उठाने के लिए फूले अंबेडकर जॉइंट एक्शन कमेटी ने योजना बनाई है। दलित संगठन के मेंबर मंगलवार यानी आज अपने आप को थाना बी डिवीजन में गिरफ्तारियों के लिए पेश करेंगे। एक्शन कमेटी के चेयरमैन रविंद्र हंस ने इस मुद्दे पर मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि गिरफ्तारियों का आंदोलन अलग अलग दलित संगठनों और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में शुरू किया जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ने 2019 के इलेक्शन में ईवीएम से वोटिंग कराया तो संगठन के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस दौरान उनके साथ यशपाल भगत जिला अध्यक्ष, फूले अंबेडकर जॉइंट एक्शन कमेटी, कुलदीप सिंह कोऑर्डिनेटर जगदीश भगत, सिकंदर कुमार कोऑर्डिनेटर बहुजन क्रांति मोर्चा, मुनीश अटवाल, मेजर सिंह आदि भी मौजूद थे। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन हैक करने की खबरें आती हैं। इसी समस्या का हल निकालने और ईवीएम से वोटिंग ना करने के लिए मुहिम छेड़ी है। देखना यह है कि सरकार अब मुद्दे को कैसे हल करती है। आने वाले चुनाव में ईवीएम मशीन से वोटिंग होगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।